हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैंने ये एक आई लुक क्रिएट की है, आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से क्रिएट की है, मार्स कॉस्मेटिक्स का ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। ये चार वेरिएंट में आता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो ये है। सो एक पिंकिश लुक देता है एंड डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट लाइट में ये ग्रीन रिफ्लेक्ट्स भी देता है। तो अगर आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन पहन रहे हो, पिंक एंड ग्रीन, या आप पिंक कपड़े पहन रहे हो, ग्रीन ज्वेलरी कैरी करने वाले हो, तो इस तरीके का लुक दे सकते हो या कॉन्ट्रास्ट में। सो बहुत अच्छा लगता है, मल्टीपल इफेक्ट्स देता है, मल्टीपल रिफ्लेक्ट देता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, ईजीएस्ट ट्यूटोरियल है। आप अपना पूरा मेकअप कीजिए एंड अगर ट्रांजिशन शेड देना है आपको तो दीजिए, अदरवाइज फिंगर पे, ब्रश की भी नीड नहीं है, फिंगर पे इस प्रोडक्ट को लेके आप अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर लो एंड योर गुड टू गो। मस्कारा लाइनर लगाना है तो लगा लो, अदरवाइज योर गुड टू गो। बस आपको ये करना है। सो स्टार्ट करते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ हम अपना बेसिक मेकअप शुरू कर रहे हैं। मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर लेके, जहाँ भी डार्क एरिया है। उसके बाद माइक्लाम का कलर करेक्टर किट थी और माइक्लाम का ही लिक्विड फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है। शेड्स और बाय करने के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। मैंने माइक्लाम का ही ब्लश यूज़ किया है एंड हाईलाइटर भी, एंड माइक्लाम का ही मैंने आईब्रो किट जो होता है 2-in-1 डुअल, जिसमें आईलाइनर एंड आईब्रो की पेंसिल है, वो यूज़ किया है। ये मेरा नॉर्दर्न लाइट्स है, शेड आपको साइड में एंड नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से अमेजिंग पिंकिश ग्रीनिश जो है लुक रिफ्लेक्ट देता है। सो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके कंसीलर लगाए हुए या बिना कंसीलर लगाए हुए आईज़ पे आपको सिंपली अपनी फिंगर से इस तरीके से ये आई शेडो जो है लगाना है। अगर आप ट्रांजिशन शेड लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, जैसे आगे के स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी। अदरवाइज आप अपनी लिड्स को इसी तरीके से जस्ट लगा सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हो, आप बेस पे वाइट आई शेडो के ऊपर इसे लगा सकते हो एंड ब्लैक आई शेडो के ऊपर लगा सकते हो। मैं दोनों तरीके से एक एक आई करके आपको यहाँ पे साइड में फोटो दिखा दूंगी कि सिंपली जब आपने ऐसे ही लगाया तो इस तरीके का लग रहा है, जब ब्लैक आई शेडो का बेस देके फिर लगाओगे तो कैसा लगेगा। यहाँ पे मैंने सिमिलर सा एक पर्पल शेड लेके अपने लोअर आईलैशेस पे और अपने ट्रांजिशन पे लगाया है। देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी मैग्नेटिक आईलैशेस। अगर इन पे आपको रिव्यू चाहिए लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईलाइनर लगाया, आईलैशेस लगाई और आई एम गुड टू गो। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकते हो, लोअर जो लैश लाइन है उस पर दूसरे कलर्स देके, या थोड़ा और इनहेंस करना चाहते हो ग्लिटर्स देके तो आप कर सकते हो। लिप्स पे अभी मैंने यूज़ किया है माइक्लाम का ही जो लिप एंड चीक टेंट होता है। आप चाहो तो लिपस्टिक भी लगा सकते हो, तो कुछ इस तरीके का ब्यूटीफुल रिफ्लेक्ट देता है। आई लव डट, लव डट। कैमरा पे उतना ब्यूटीफुल नहीं आ रहा जितना रियल लाइफ में ये देता है। सो अगर आप परचेज करना चाहते हो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।